नमस्कार साथियों, माफ करना, मुख्य खबर पर आने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ इसे अदरवाइज ना लें, ये मेरी आपसे एक सिंपल सी हम्बल रिक्वेस्ट है। मानना न मानना आपके विवेक पर है। साथियों, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने 7 सूत्री मांग पत्र के अंतिम बिंदु क्या साक्षात्कार हटना चाहिए विषय पर मैंने आपसे सुझाव मांगे थे। आप सब ने एक मत होकर अपना सकारात्मक पक्ष रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हम सब जानते हैं कि साक्षात्कार के नाम पर क्या होता है। यदि हम सब एक होकर आवाज़ उठाएं तो निश्चित रूप से सरकार युवा जोश के आगे झुकेगी। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी, बिना संगठन के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम एक बार आप जो भी सोशल नेटवर्क, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, जो भी आप यूज करते हैं और किसी कॉलेज व्याख्याता ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक ये संदेश पहुँच सके। और साथ ही आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर जाके चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि भविष्य की रणनीति तय की जा सके और परीक्षा से संबंधित सूचनाएं जल्दी से जल्दी हम लोग आपस में शेयर कर सकें। थंबनेल देखकर आपको लगा होगा कि आवेदन की तिथि आगे बढ़ गई है, परंतु ये इतना आसान नहीं है साथियों। दरअसल माननीय हाईकोर्ट ने प्रमुख कॉलेज शिक्षा सचिव और आरपीएससी को जवाब तलब जरूर किया है, परंतु आवेदन की अंतिम तिथि या गार संबंधी प्रावधानों में को लेकर नहीं, बल्कि पूजा चौधरी की याचिका पर किया है। तथा आरपीएससी को माननीय हाईकोर्ट ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतरिम आदेश दिया है, क्योंकि भर्ती राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के नियम 10 उपनियम 1 के तहत पात्रता में न्यूनतम भर्ती की दिनांक 2 नवंबर 2020 से पूर्व 1 जुलाई 2020 से की गई थी। ऐसे में भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष का होना आवश्यक हो गया था, जबकि भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2 नवंबर को प्रकाशित किया गया। इससे माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तथा प्रार्थी पूजा चौधरी ने 10 अगस्त 2020 को ही वांछित 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 में आवेदन करने से वंचित रह गई थी। लेकिन नियम 10 उपनियम 1 के अनुसार प्रार्थी 1 जुलाई 2020 को ही 21 वर्ष की आयु की शर्त के चलते आवेदन नहीं कर पाई। अब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि भर्ती विज्ञापन के नियमों को भूतकाल के प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता,